नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड माटनर ब्रिज के सामने अजमेर। जिला परिषद सदस्य के आज नाम वापसी का आखिरी दिन था, जिसमें 8 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कैलाश शर्मा ने बताया कि वार्ड संख्या 1, 3, 24, 30, 32 से 4 निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए हैं। आज अभ्यर्थिता वापस लेने का 3 बजे तक का समय था। उस 3 बजे तक के समय में 8 निर्दलीय अभ्यर्थियों ने अपनी अभ्यर्थिता वापस ली है और इसमें वार्ड नंबर 1 से 1 निर्दलीय है, वार्ड नंबर 3 से है, वार्ड नंबर 24 से 1 निर्दलीय है, वार्ड नंबर 30 से 1 निर्दलीय है और वार्ड नंबर 32 से 4 निर्दलीय है। इस प्रकार 8 निर्दलीय अभ्यर्थियों ने अपने नाम वापस लिए हैं। इसके अलावा अब वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 24 में 1-1 निर्दलीय अभ्यर्थी कंटेस्ट में है। शेष अभ्यर्थी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से हैं। अब ये नाम वापसी की कार्रवाई होकर के और चुनाव चिन्ह प्रदान कर निर्दलीय के रूप में फॉर्म लगाने वाले दौलत सिंह ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस मौके पर शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियसी लहाड़ा, वरिष्ठ भाजपा नेता भंवर सिंह पलाड़ा और किशनगढ़ के भाजपा नेता विकास चौधरी मौजूद रहे। वार्ड नंबर 24 से कल हमारे जो अधिकृत प्रत्याशी थे हनुमान जी भादू का पर्चा किसी कारणवश खारिज हो गया और कांग्रेस पार्टी ने पटाखे फोड़ने की तैयारी कर ली थी। राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी ने पटाखे बैन कर दिए, लेकिन कांग्रेस की ऐसी दुर्गति हुई, बिहार के अंदर, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी के अंदर जितने भी उपचुनाव हुए हैं 56-58 सीटों पर, वहाँ पर कांग्रेस ही कहीं पटाखे फोड़ने। अजमेर में पंचायत समिति सदस्य के लिए बोराज गांव के युवाओं ने टिकट बंटवारे में धांधली का आरोप लगाते हुए विधायक वासुदेव देवनानी के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। वहीं पुतला फूंक कर अपना आक्रोश जताया। नाराज ग्रामीणों का कहना है कि एमएलए देवनानी ने गांव के युवाओं को टिकट ना देते हुए किसी अन्य व्यक्ति को पंचायत समिति सदस्य का टिकट दिया है, जो विश्वासघात है। ग्रामीण युवाओं ने इस मामले में निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा करके उसे समर्थन देने की बात कही, साथ ही भाजपा के खिलाफ काम करने की चेतावनी दी है। भैया, ये टिकट वितरण को लेकर हुआ है। हमने हमारे बोराज गाँव से मान सिंह और मैं जय सिंह ने आवेदन करा था, तो हमारे को आश्वासन दिया कि तुम एक आवेदन और था, 3 आवेदन थे हमारे, तो तीनों में बोला भाई एक होके आ जाओ आप, तो हम उसी मतलब उनके सलाह पे हमने करा और हमारे पीछे से हमारे आवेदन को निरस्त करके और हमारे गांव के मतलब हमको नहीं चाहते हैं कि क्या हुआ, लेकिन हमारा यही था कि हम जो कार्यकर्ता है रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनको पूछा नहीं है आज फिर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक युवक को आज उस वक्त महंगा पड़ गया जब उसकी प्रेमिका ने कलेक्ट्रेट के बाहर उसको पकड़कर हाई वोल्टेज हंगामा खड़ा कर दिया। दर्शकों, हम आपको बता दें, अहमदाबाद का डॉक्टर बीएस राजूपाल को उसकी दिल्ली की रहने वाली प्रेमिका नीलिमा कुमारी ने अपने साथ रहने की बात को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया। क्या हुआ भैया, एक घटना की जानकारी क्या हुआ? इसने मुझसे शादी की जुलाई में, आप मुझे छोड़ के जा रहा है, बस स्टैंड पे वैसा मारपीट कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है मेरे साथ। कौन है ये? मेरा पति है। अच्छा, जुलाई में मुझसे शादी की, कह रहा मैं तुझे नहीं रखूंगा, इसके लिए मैंने अपना मकान सब बेच दिया, मेरी सारी प्रॉपर्टी बेच दी। मेरे से 8 लाख रुपए की डिमांड कर रही है।
और ये कह रही है कि मुझे पाने के लिए लोगों के बिस्तर पे भी सोने को तैयार है। सर इसने मुझे सर धोखेबाज से सर शादी करी, धोखे से शादी की मुझसे, और सर ऐसा मुझे फंसाया जा रहा है। ये बोल रही है कि मेरी बेटी को भी ये किडनैप करेगी। यहाँ लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के आगे है गुर्जर आरक्षण आंदोलन को गुर्जर समाज के लोगों ने किया स्थगित। दीपावली का त्यौहार नजदीक आते ही लोगों में हर्ष और उमंग की लहर दौड़ उठी है, लेकिन इस बार की दिवाली सभी के लिए अलग अलग मायने में खास रहने वाली है। कोरोना के बीच मनाई जाने वाली इस दिवाली पर सभी कोशिश में है कि उनकी यह दिवाली कुछ खास हो। इन सबके बीच कुम्हार भी इस आस के साथ अपने काम में जुटे हैं कि बेरोजगारी में कुछ रोजगार मिल जाए। देखिए अजमेर से खास रिपोर्ट। दीपावली के त्यौहार पर वैसे तो हर वस्तु बाजारों में नए रूप में बिकती है, लेकिन सबसे खास मिट्टी के दिए होते हैं जिनसे घर रोशन होते हैं। लेकिन बदलती दुनिया में और चकाचौंध के बीच इन मिट्टी के दीपक की रोशनी फीकी पड़ती गई। लेकिन इस बार कोरोना और स्वदेशी के नारे के बीच कुम्हार को आस है कि उनकी मेहनत वापस लौटेगी। तमाम तरह के अलग अलग डिजाइन में दिए बनाए जा रहे हैं जो अब मार्केट में बिकने के लिए आ रहे हैं। कुम्हार राजेंद्र का कहना है कि दिए बनाने में मेहनत बहुत है लेकिन आमदनी नहीं मिलती। लेकिन इस बार महामारी के बीच उन्हें उम्मीद है कि इस बार लोग दिए लेकर सुरक्षित दिवाली बनाएंगे। मैं चाय के कूलर तैयार कर रहा हूँ कोरोना के अंदर, क्योंकि लोग वहाँ कोरोना से बचे, इसलिए चाय कूलर के अंदर चाय यूज करेंगे। तो ये पका हुआ माल है, इसके अंदर क्या है कोई कीटाणु जीवाणु रहते नहीं है, मतलब जलने के बाद नष्ट हो जाते हैं, मतलब और ये पाक चीज़ है बिल्कुल। दिए नहीं बन रहे और दिए इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि हमको मार्केट में सप्लाई नहीं है, ग्राहक आ ही नहीं रहे, मतलब डर रहे। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर अजमेर में गुर्जर समाज की ओर से आज से प्रस्तावित आंदोलन स्थगित कर दिया गया। दिवाली पर्व और पंचायत राज चुनाव को देखते हुए गुर्जर समाज ने आज कलेक्टर को ज्ञापन देकर समाज की मुख्य मांगों को जल्द पूरा करने की मांग को दोहराया और ऐसा नहीं होने पर वापस से आंदोलन की चेतावनी दी है। हमारे जो गुर्जर आरक्षण जो मीटिंग चल रहा है उसमें समाज के जो आरक्षण संघर्ष समिति की जो कल मीटिंग हुई उसमें यह निर्णय लिया कि ये दीपावली का त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए, पंचायत समिति जिला परिषद चुनावों को मद्देनज़र में रखते हुए ये हमारी समाज ने निर्णय लिया है। समाज ये चाहती है कि किसी समाज को, किसी वर्ग को हमारी समाज की तरफ से कोई आपत्ति या दिक्कत न हो, इसको नज़र में रखते हुए ये निर्णय लिया कि अगर सरकार हमारी मांगे का अगर निर्णय नहीं लेगी तो दीपावली के बाद हम अजमेर जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बुधवार को एलिवेटेड रोड सहित कई विकास कार्यों का निरीक्षण किया और रोड के कार्य से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद जिला कलेक्टर पुरोहित ने कलेक्टर के सभागार में स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक ली और अधिकारियों से स्मार्ट सिटी योजना के तहत होने वाले करोड़ों रुपये के विकास कार्यों पर चर्चा की। एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य जारी है। महावीर सर्किल से माटनन ब्रिज और गांधी भवन से पुराना आरपीएससी तिराहे तक एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। एलिवेटेड रोड का कार्य पूरा होने के बाद शहरवासियों को यातायात व्यवस्था में सुधार मिलेगा और जाम की समस्या से निजात मिलेगी। जितने भी शहर में प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन सबका निरीक्षण किया गया और आगे टाइम पे सारे प्रोजेक्ट्स पूरे हों इसके लिए सभी अधिकारी साथ में थे, उनको डायरेक्शन दिए गए और जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं जो टीम के पीएमसी के मेंबर। आज बिहार विधानसभा के चुनावी नतीजे आ गए हैं और तमाम जितने भी एग्जिट पोल उनको खारिज करते हुए एक बार फिर वहाँ पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में और बीजेपी एक बड़ी पार्टी उभरी है और भाजपा वहाँ एक बड़े रोल में निभर का आई है और पुष्कर में इसकी खुशी बयां की जा रही है। पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने एक दूसरे का मुँह मीठा करा के इस खुशी को बयां किया है। हमारे बीच पालिका के जो उपाध्यक्ष सुरूप महर्षि मौजूद है, उनसे जानते हैं कि कितनी खुशी है और क्या कहना चाहेंगे बिहार चुनाव का। बिहार चुनाव के अंदर सारे एग्जिट पोलों को फेल करते हुए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार सर के नेतृत्व में पुनः सत्तारूढ़ हुई है। 15 साल का कार्यकाल अच्छा रहा, उसके उपलक्ष्य में वहाँ की जनता ने वापस पुनः वोट दिया। राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का नारा था और राष्ट्रवाद से खुशी होकर के जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का नीतीश कुमार के नेतृत्व में वहाँ पे बिहार में सरकार लाई है।
मैं बिहार के पुष्कर के पुराने शमशान घाट के पास अमेरिका की रहने वाली एक 26 वर्षीय निकोल नामक महिला अचानक अब मोटरसाइकिल से गिर पड़ी, जिसके बाद सर पे उसके गंभीर चोटें आई। सूचना मिलने पर पुष्कर पुलिस टैब पुलिस मौके पर पहुंची है और जो प्राथमिक लक्षण जो नज़र आए हैं विदेशी महिला में, वो किसी नशे का शिकार लग रही थी। उसको उपचार के लिए पुष्कर के राजकीय अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे सिर की गंभीर चोट होने के कारण इलाज के लिए अजमेर के राजकीय अस्पताल भेज दिया गया। बहरहाल इस मामले में पुलिस के लिए जाँच का विषय बना हुआ है कि वो किस नशे का सेवन की हुई थी और नशा कहाँ पर किया था। इस तरह की जो घटनाएं हैं पुष्कर में किस तरह रोकी जा सकती है, ये सब पुलिस के लिए चुनौती होगी। पुष्कर से दिलीप नागरा के साथ सीताराम पारासर स्वामी। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो ये यहाँ पे कादे के अंदर गिरी हुई थी, तो हमारे यहाँ सामने घर के पास में, तो हमने इनको उठा के यहाँ ऊपर बिठाया था। उठा के फिर बाद में इसको देखा तो इसका सर भी फूटा हुआ था, काफी खून निकल रहा था। हमने इन लोगों को थोड़ा सा, हमारे पास कोई ट्यूब वगैरह थी तो हमने इसके वहाँ सर में लगा के हमने इसका खून रोक दिया गया। और जब भी हमने इसको उठाया सही तरीके से, इसका बैग वगैरह उठा रहा है तो इसके बैग के अंदर एक आईवी का क्वार्टर था। अजमेर शहर की सड़कों और फुटपाथ पर बसे हुए घुमंतू जाति के लोगों को सुरक्षित रैन बसोरों में पहुंचाने के लिए नगर निगम ने अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत नगर निगम के कर्मचारी शहर के सभी मार्गों पर बसे घुमंतू जाति के लोगों को फुटपाथ से उठाकर उन्हें रैन बसेरे पहुंचा रहे हैं, ताकि उनकी जिंदगी बच सके, साथ ही उनको वहाँ पर उचित सुविधाएं मुहैया करा सके। आज भी निगम कर्मचारियों ने बस स्टैंड के बाहर कई लोगों को फुटपाथ से उठाया और अपने वाहन में बिठाकर उन्हें रैन बसेरा तक पहुंचाया। हालांकि इस कार्रवाई का घुमंतू जाति के लोगों ने विरोध किया और रैन बसेरों में नहीं जाने की जिद को लेकर निगम कर्मचारियों से ऐसे लोगों को बलपूर्वक गाड़ी में बैठाकर रैन बसेरों में पहुंचाया। निगम अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ये जो घुमंतू लोग यहाँ पर टेंट बना करके रहते हैं या यहाँ पर बस स्टैंड के सामने दिन भर यहीं पर ही रहते हैं, जिससे काफ़ी अव्यवस्था फैल रही है, आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी असुविधा महसूस होती है। तो निगम द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है कि इस तरह के जो घुमंतू परिवार के जो लोग हैं, इनको सुरक्षित हम रैन बसेरे में छोड़ सकें। वहाँ पर हमारी इंदिरा रसोई भी संचालित है, तो उसी क्रम में हमने पहले कचहरी रोड पर। समय अपनी रफ्तार से दौड़ रहा है, हर पल कोई ना कोई घटना घट रही है, समस्याओं को लेकर आवाजें उठ रही हैं, प्रशासन भी कर रहा है समाधान। स्वामी न्यूज रख रहा है हर खबर पर अपनी पैनी नजर, बदलते वक्त का गवाह बनकर, और देता है आपको पल पल की खबर YouTube व Facebook चैनल पर। देखें हमारा टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स मार्टिनल ब्रिज अजमेर, जहां मिलता है एक ही छत के नीचे आपको इलेक्ट्रॉनिक बाजार।